अयोध्यारे श्रीराम मंदिर गर्भगृहर शिलान्यास उत्सव उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एवं प्राय 90 गोटी मठ मंदिर साधुसंत उपस्थित अनुष्ठित अवसर में अयोध्या मंदिर भारत जातीय मंदिर होगी योगी आदित्यनाथ कहते शिलान्यास पर मुख्यमंत्री कहते लोकने यह दिन को बहु कालु अपेक्षा कर राम मंदिर भारतीय एकतार प्रतीक हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 वर्ष तलु एही मंदिर भूमि पूजन पर निर्माण कार्य आरंभ हो कार्य सफलतार सहित आगे चली से कही तार गर्भगृहर शिलान्यास मंदिर तीन महला और 5टी मंडपर निर्माण कार्य यथारीति अनुसार चली गर्भगृह में मूर्ति स्थापन हो 2023 डिसेंबर सुधा निर्माण शेष हो आशा कर गर्भगृह में कर्णाटक और आंध्र प्रदेश आ 17,000 पथर व्यवहृत हो मंदिर भव्य संरचना निमते राजस्थान बंशी पहाड़पुर पथर अणा अगस्त 2020 प्रधानमंत्री राम मंदिर निर्माण पर शिलान्यास करते सभी पूज्य संतों का और खास तौर पर गोरखपीठ की 3 पीढ़ियां इस पूरे कार्यक्रम के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य कर रही थी। सरदेव अशोक सिंगल जी, परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज और अन्य उन सभी पूज्य संतों की आत्मा को सचमुच अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही होगी जब यह भव्य कार्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर न्यास के नेतृत्व में निर्देशन में यह भव्य रूप साकार लेता हुआ दिखाई दे रहा है तो उन सभी पुण्य आत्माओं को भी अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही होगी, शांति की अनुभूति हो रही होगी जिन्होंने 500 वर्षों तक अनवरत इस संघर्ष को कहीं भी मंद नहीं पड़ने दिया और निरंतर इसके लिए कार्य करते रहे। और अंतिम निर्णायक जो अभियान प्रारंभ हुआ था सरदेव अशोक सिंगल जी के नेतृत्व में, उनके सानिध्य में, पूज्य संतों के नेतृत्व में आज वह साकार रूप लेता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के जिन्होंने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था और आज गर्भगृह में भी शिला पूजन का कार्यक्रम रखते ही अब मंदिर निर्माण के कार्य को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सकल खबर।